about your personal life? How are you as a person? What do you like to do outside? What are your hobbies? All that. Tell me something about it. Hindi में. मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं कभी मैं ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकता। हाँ, आई एम वेरी मूडी। कभी कभी चुपचाप रहने, एक तो मतलब अकेला बैठ जाऊँगा, मैं किसी से बात नहीं करना चाहूँगा। कभी कभी आई जस्ट वॉन्ट टू सिट डाउन साइड। इसलिए आई लाइक फिशिंग, इट्स लॉट ऑफ फन। इट्स नॉट फिशिंग टू मतलब कि तो आई गेट होम एंड ईट द फिश। आई लव द फैक्ट कि तुम जाके वहाँ बैठ सकते हो। कभी कभी ऐसे कई जगह जाके बैठता हूँ जहाँ पर आई नो वहाँ पर मछली मिलेगी नहीं, और बैठ जाते हो वहाँ पर पकड़ने के लिए। तो इट्स अ रिजुविनेशन काइंड ऑफ थिंग विच आई एंजॉय। क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है। स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत क्रिकेट खेला है। क्रिकेट काफ़ी अच्छे लेवल तक मैंने क्रिकेट खेला है, पर उस समय इट वॉज नॉट एन ऑप्शन एज अ कैरियर। अगर होता तो शायद आज मैं क्रिकेटर होता। अदर देन दैट आई लव माई मोटरसाइकिल, जो मेरे को अभी भी मेरे भाई ने मुझे दी है। जितना वक्त मुझे मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आजकल मैं तो कि गाड़ी कम यूज़ करता हूँ, बाइक पर ज़्यादा निकलता है जहाँ पर निकलता। और आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय वाइफ बिकॉज शी इज द बिगेस्ट क्रिटिक एंड वो सीधा मुंह फट है। वो मुंह पे बोल देती है कि बॉस ये तो बहुत गंदा किया, ये बहुत अच्छा किया। तो अरे क्रिटिक इज वेरी नाइस। और बिसाइड्स बीइंग अ प्रोफेशनल थिंग नाउ टू राइट, आई एंजॉय इट एज अ एज नॉन प्रोफेशनल थिंग ऑल्सो। क्रिएट करना आसान नहीं, और जब क्रिएट करना इट हैपन्स इट्स लाइक गिविंग बर्थ एवरी सिंगल डे टू अ न्यू थॉट, अ न्यू आइडिया। तो आई एंजॉय डूइंग दैट। अदर दैट आई एम अ वेरी फन पर्सन यार। आई मैं कभी किसी चीज़ को या कोई कुछ बुरा कह भी देता है मुझे तो मैं अगले दिन कहता ठीक है जान दे, माफ़ कर दो, निकल गया। और कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं यार तू तो हर चीज़ के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं कि यू लाफ इट ऑफ एम। यार आई थिंक इट्स मोर फन दैट वे। आई लव हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स इन सेंस। ऑल ऑफ अस डोंट टेक आर जोक्स वेरी सीरियसली, बट इफ यू टॉक टू एनी वन ऑफ अस यू विल फील दैट यू नो यार ये वो कहता तो है कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है मगर उसकी खिंचाई करते रहते हैं। बट दैट्स हाउ वी आर, वी हैव फन। बस बताइए उनके साथ कैसे टाइम बिताना पसंद करते हैं यू गाइस? यश टॉप पर मेरी शुरुआत एक साथ हुई। मेरे पास एक छोटी सी मारुति 800 थी और रश के पास गाड़ी नहीं थी उस समय, तो रिक्शा कभी कभी हम रिक्शा में चले जाते साथ में। हमारी एक्चुअली दोस्ती जहाँ से शुरू हुई, हम स्क्रीन टेस्ट के लिए बहुत जाते थे एक साथ एड्स के लिए। और एंड में ऐसा होता था कि एड का स्क्रीन टेस्ट कम होता था, हम दोनों वहाँ पर मस्ती मजाक ज़्यादा करते थे और लोग गलत चीज़ बताते थे कि तुम ये करो बहुत अच्छा लगेगा। और नॉट कि इस वजह से कि हमें ऐड मिल जाए ऐसे नहीं, बट वी जस्ट इन्जॉय इट। दोस्ती वहाँ से शुरुआत की शुरुआत वहाँ से। फिर हमने एक क्लोजअप का ऐड एक साथ किया यहाँ पर, यश वर्सेस डूड। और मैं एक अच्छा सीधा साधा लड़का था, जो एक्चुअली है यश बहुत ज़्यादा डूड टाइप है और मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। और फिर उसके बाद वी स्टार्ट स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। वी यूज़ टू गो एंड पार्टी टुगेदर। बहुत वेग वेग स्टेप्स करते थे हम वहाँ पर डांस फ्लोर पे। लोग सोचते थे कि दोनों पागल आदमी हैं। फिर वी गॉट लिटिल मोर सीरियस, मतलब कि आई स्टार्टेड वर्किंग। फिर यश की शादी होने वाली थी। आई रिमेम्बर जब यश ही एक्चुअली ही इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ माई वाइफ लाइक ऑल ऑफ अस आर, कि मतलब कि कुछ भी गड़बड़ करें तो वी ऑलवेज आर स्केर्ड दैट शी गेट नो, हमारी पिटाई हो जाएगी। तो व्हेन यश इज गोइंग टू गेट मैरिड ही केम एंड सेड दैट बॉस आई थिंक आई फाउंड द गर्ल। तो मैंने कहा ठीक है, तूने बताया अर्चना को? तो उसने कहा नहीं अभी बताया नहीं। तो हम दोनों साथ में गए तो हमने अर्चना को बताया कि ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड। फिर तुरंत आई दैट दैट इज द ट्रांजिशन आई थिंक। द डे वी रियलाइज दैट यश वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, आई सडनली बिकेम द एल्डर ब्रदर। कि अब तेरे को यू नो गाड़ी खरीदनी चाहिए, अब तेरे को घर खरीदना चाहिए, यू नीड टू सेटल डाउन, यू नीड टू डू दिस इन। एंड आई थिंक दैट्स वाई हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इट्स ऑफ टू पीपल। वी हैव नेवर थ्रेटन्ड ईच अदर एज कि और नेवर क्वेश्चन ईच अदर कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे और यश की आई डोंट थिंक कभी ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ भी है, और अगर होता भी है तुरंत हम जाके एक दूसरे को बोल देते। आई थिंक दैट्स दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फ्रेंडशिप। और जाहिर सी बात थी, व्हेन आई वाज राइटिंग माय फर्स्ट फिल्म तो यश वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। और आगे भी जब भी मैं फिल्में लिखूंगा, अगर मेरे को चांसेस मिलेंगे फिल्म बनाने के लिए, तो यश एंड आई विल वर्क टुगेदर। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिम। एक दूसरे को गाली देते हैं हम, बट वी आर खुश विद ईच अदर। और वो मेरी किस्म का इंसान है, मतलब कि वो जिंदगी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट एंड ही इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड। आपकी वाइफ के बारे में पूछ रही थी, कब से जानते हैं और टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम यू स्पेंड टुगेदर? हम दोनों की मुलाकात हुई जब मैं क्लास 6 में था, एफओ स्कूल रोहतक दिल्ली में।
एंड शी वॉज मतलब कि मेरे बड़े भाई की बहुत अच्छी दोस्त थी। और जब मैं स्कूल में था तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार अभी मैं जाके उससे कैसे कहूँगा कि दैट आई लाइक हर एंड थिंग। तो मैंने कहा जिस दिन मैं कॉलेज में पहुँच जाऊँगा लेकिन उस दिन मैं बड़ा हो जाऊँगा। हमेशा हर किसी को लगता है कि जिस दिन कॉलेज में पढ़ जाते हैं और अभी स्कूल से निकले हैं मगर यू फील दैट कि नाउ आई बिकम, वो थोड़े थोड़े मुच्छे मुच्छे भी आने लग जाते हैं। पहली बार शेव करके मैं गया था उसका। तो शी बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एंड लाइक मी शी लाइक्स टू हैव फन, वी टू प्ले लॉट ऑफ चेस, लॉट ऑफ जिसमें हमेशा मैं हारता था जानबूझ कर, स्क्रैबल, मोनोपोली, ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स दैट वी यूज्ड टू डू। वी यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर इन दिल्ली इन स्कूल। एंड लाइक अ फ्रेंड यू नो, इफ आई यूज्ड टू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट वेदर शी रियली लाइक्स मी, और मुझे कुछ पक्का मालूम नहीं था कि वेदर यू नो शी वुड बी इंटरेस्टेड। कि ये आदमी मतलब कि यू डोंट यू कांट बी श्योर कि कल कहाँ होगा, कभी ये निकल जाता है ट्रैकिंग में, निकल जाता है कभी साइकिल लेकर शिमला निकल जाता है, कभी कुछ भी कर लेता है। तो हाउ मच डिड शी ट्रस्ट मी एज अ पर्सन, शी लाइक मी डूइंग ऑल दोज थिंग्स ऑफ गोइंग बींग एन आउटडोर गाय, बट एज अ पर्सन टू बी सींग और थिंग। तो जब मैं पहले जाके बोला तो शी सेड नो इट्स नॉट गोइंग हैपन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक्टर तब भी था मैं, तो मैंने उनको कहा कि एक्चुअली यू नो दिस अदर गर्ल लाइक्स मी एंड आई वॉन्ट टू प्रटेंड कि तुम यू एंड आई आर सींग इच अदर ताकि उसे लगे वो दूर चले जाए। तो शी सेड ठीक है आई डू इट फॉर यू योर फ्रेंड नंबर, बट देन आई टुक इट एज अ कंप्लीट रिलेशनशिप, आई यूज टू गेट पोजेसिव ओवर टाइम। तो उसने एक दिन कहा कि बॉस तुमने तुम कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो? तो मैंने कहा हाँ मगर ये सब कर रहे हैं ना उसके लिए। शी सेड डोंट लाई टू मी, दैट डे आई टोल्ड हर कि आई लाइक यू थिंग। एंड वी बीन टुगेदर नाउ हाउ मेनी इयर्स, 18 19 इयर्स। टुडे पति पत्नी कम है हम और दोस्त बहुत अच्छे हैं। एक मतलब कि मैं जाके उसे उसी तक बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे बता रहे थे कि वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स मोर देन एनीथिंग एल्स। और हम दोनों में वो प्रैक्टिकल है और मैं इमोशनल, मैं हर चीज़ इमोशनल। मतलब कि अगर किसी ने कुछ कह दिया कि यार नहीं यार उसके लिए कुछ कर देते हैं, बस ये प्रैक्टिकल वर्ड। लोग मेरा बुद्धू बनाते हैं लेकिन उसका बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। और आई थिंक द ग्रेटेस्ट बिट अबाउट आर रिलेशनशिप इज दैट देर नेवर बीन एन ईगो बिटवीन अस। कि देर बीन टाइम, कभी कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पास काम नहीं हुआ घर पर बैठा हूँ, शी इज़ वर्किंग।